अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने से मन में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, अमन के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने से मन में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो कर लिया आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल बने हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए, जल्दी से जाएं इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। तो जी मैं जा रही हूँ अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए, हेयर ट्रिम करवाने के लिए, तो वहाँ पे जाके आपको थोड़ी बहुत तो वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो चलती हूँ मैं, आपको रखूँगी साथ और फिर घर आके भी आप लोगों के साथ बातें शातें करूँगी। तो चलते हैं जी वहाँ। जी तो मैं जा रही हूँ चल के अपने सलून पे अपना हेयर का ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो बस अभी थोड़ी ही देर में पहुँच जाऊँगी क्योंकि गाड़ी की जगह वहाँ पर नहीं होती, मेन रोड के ऊपर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चल के ही चली जाती हूँ, इतनी ज़्यादा वॉक तो नहीं है, तो इसलिए बस थोड़ी दूरी रह गया। तो चल 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 के जा रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रह गया और दो तीन मिनट में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी और फिर आप लोगों को दिखा दूँगी साथ साथ में जो भी वो करेगी इंशाल्लाह। मेनली तो मेरे ख्याल से जो ट्रीटमेंट करेगी उसकी तो शायद वीडियो ना बनाने दे क्योंकि वो फिर उनकी जो चीज़ें होती हैं समटम उन पर कॉपीराइट आ सकता है और समटम वो अपनी चीज़ें नहीं दिखाना चाहती होती, इसलिए बस उन्होंने अपना ट्रिक थोड़ा ना देना होता है किसी को। तो बाकी रही बात कटिंग वगैरह की, तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है हो सकेगा जहाँ तक वो शेयर कर दूँगी। ट्रिम ही करवाने हैं हल्के फुल्के से ट्रिम, तो वो इंशाल्लाह वो कर देगी। तो चलें जी बस मैं पहुँच ही गई हूँ, आप लोगों को अंदर जाके तो दिखाती हूँ। Is this your part in here? Yeah, you can do middle part or side part, whatever. Where do you wear it mostly? I do middle now. Middle. To be honest. Good to do middle. Yeah. Thank you. अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ ट्रीटमेंट कराने के बाद। तो अब वारी आ गई है हेयर ट्रिम करने की। तो यहाँ पे वो पहले अब सारा देखेगी किस साइड से मेरी पार्टीशन है। मैंने इसको बता दिया कि मिडल से करती हूँ, अब कटिंग शुरू होगी। जी बस देखें यहाँ पे हो गई है कटिंग शुरू। तो यहाँ पे जी बस मैं लीसा से बातें कर रही थी क्योंकि मैम लीसा के पास भी मुझे आते हुए तकरीबन बहुत टाइम हो गया है। मेरी हेयर ड्रेसर काफ़ी सालों से लीसा ही है, तो हर दफ़ा मैं इसी से अपना जो भी कुछ करवाना हो मैं यहीं पे आती हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प जी। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी तो वो बालों को बस इनके पार्ट्स बना रही है, अभी तो सिर्फ फ्रंट से किए हैं, फिर बैक से करेगी और फिर स्लोली स्लोली पीछे से बैठ के करेगी क्योंकि पीछे बाल जो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो अभी मुझसे वो पूछ रही थी कि लेंथ कितनी रखनी है, तो मैंने वो समझाया उसे। तो अभी बस इंशाल्लाह वो सारा हिसाब से पीछे से कटिंग शुरू करके तो कर देती। तो चाहे चलो आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती हूँ कि किस हिसाब से हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए कैमरा जो था वो मेरा बहुत ज़्यादा नज़दीक था क्योंकि मिरर में दिखाना ही मुझे ईजी लगा आप लोगों को, तो बैक कैमरे से ही बना रही हूँ। तो दो दो तीन तीन इंची बस कटवाए नीचे से क्योंकि ट्रिम ही करवाने थे, ज़्यादा तो कटिंग नहीं थी क्योंकि इतने ज़्यादा तो नहीं, बस ट्रिम ही करवाने थे इसलिए थोड़े थोड़े से बस। फिर पता बाल थोड़े हेल्थी हो जाते हैं थोड़े ट्रिम करवाने से, लुक आफ्टर करने से, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़े रफ से जो हैं वो ख़त्म हो। बस जी अब वहाँ पे देख रही है लीसा, अब कटिंग शुरू है, बस अब देखें कितना टाइम लगेगा, जितना भी लगेगा उतना तो लगेगा ही लगेगा।
तो पीछे से थोड़ी उसने कर ली है ट्रिम, अब आगे की तरफ आई है तो आगे से भी सारे अब ट्रिम हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो पता क्या है कि अगर थोड़े ट्रिम करवा लें तो बाल भी थोड़े हेल्थी हो जाते हैं और जो डबल मुंह बन जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, तो मैं हेयर का ट्रीटमेंट करा के उनको चॉप शॉप करवा के तो मैं आ गई हूँ घर वापस। तो यही होता है जब आप जाओ ना ट्रीटमेंट करवाने तो वो जो आपके नी कह देते हैं नीचे से डेड डेड डेड, वैसे मेरी लेंथ हमेशा से यही रही है बालों की। तो अभी मैं थोड़े लंबे करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन जब भी आप ट्रिम करवाने जाओ ना तो फिर वो यही हाल कर देते हैं कि जो आपके जो नीचे आपने जो इतने इतने लंबे थोड़े किए होते हैं ना 3-4 इंच, वो काट देते हैं। तो मेरे साथ भी ये हुआ, पर मेरी हमेशा से लेंथ यही रही। आज मेरी बाजी बड़ी खुश होंगी, मेरी जो सबसे बड़ी बाजी है ना, मेरी बाजी बाजी, वो कहती है हमेशा कि तुम यही वाली इतनी ही कटिंग रखा करो। वो उन मेरी बाजी ने मेरे कभी भी बाल बढ़ने नहीं वैसे दिए थे, लेकिन मैं बीच बीच में से बढ़ा लेती हूँ, लेकिन वैसे मेरी हमेशा से लेंथ बालों की इतनी ही रही है। तो लेकिन चलें जी, हो गया आज ट्रीटमेंट बालों का। तो वो कह रही थी काफ़ी हेल्थी हुए हुए हैं पहले से ज़्यादा बाल, और नए बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा वो कह रही थी शुरू हुई हुई है। करवाना चाहिए वैसे ये, मैं वैसे ना इस दफ़ा मैंने बहुत लंबा वेट किया है, क्योंकि पहले कोरोना आ गया था उस वजह से थोड़े बाल जो थे हर वक्त टाए बांध बांध के ही, क्योंकि कटिंग नहीं हो पा रही थी। फिर जब सलोन्स खुले तो अपॉइंटमेंट्स इतनी बिजी थी, एक दफ़ा अपॉइंटमेंट ली थी तो, लेकिन उस वक्त सिर्फ उसने कोई कटिंग वगैरह नहीं की थी, सिर्फ ट्रीटमेंट देके तो बस मैं बालों की स्टीम्स वगैरह जो करवाते हैं वो करवा के तो वापस आ गई थी। तो तकरीबन मैंने 2 साल के बाद वापस से अपना ये है मास्क ट्रीटमेंट और हर चीज़ करवाई है, बाल बहुत सॉफ्ट हो गए। लेकिन अभी ना मैंने स्ट्रेट नहीं किए, क्योंकि उस वक्त वो नहीं करती, जब आपने विटामिन सी जेल लगवाया हो ना तो फिर वो स्ट्रेट उस वक्त नहीं करते। तो मैं वैसे खुद भी लगाती हूँ, मैंने आपको दिखाया था ना कि वो वाला वो जेल भी बहुत अच्छा है, वो तो मैं एवरी 2 वीक के बाद लगाती हूँ। तो माशाल्लाह से अच्छे हो गए हैं, अब मुझे नहीं पता कि कैसे लग रहे हैं, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसे लग रहे हैं। तो वैसे मेरी हमेशा से लेंथ जो बालों की है मैंने यही रखी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी लंबे हो गए थे। तो काफ़ी लंबे तो नहीं थे, काफ़ी तो मैं नहीं बोलूँगी, बस इतने इतने थे, आपने वीडियो देखी है कि कितने कितने थे, इतने इतने बस हुए थे। तो उनकी कटिंग करवाई है, आप लोगों ने देखा ही है, आप लोगों के साथ वीडियो मैंने शेयर की है कटिंग की। ओवरसली पहले ट्रीटमेंट की नहीं की, लेकिन उसके बाद की जो कटिंग की थी की है, कि बस इतने ही थे मेरे बाल, मैंने कभी इससे लंबे होने नहीं दिए, खुद भी कटिंग कर देती थी घर में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई हो, पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अपनी रम आपको अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। ओके जी, तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी इंशाल्लाह जल्दी। इरम आप ही को अपनी दुआ में याद रखिएगा और अच्छे लफ्जों में याद कीजिएगा। लव यू माई ऑल फैमिली, अल्लाह हाफिज़ ऑल, अल्लाह हाफिज़ ऑल।